मध्ययुगीन काल में रसायनज्ञ असंभव को संभव करने का प्रयास कर रहे थे। वो नाचीज सीसे को चमकदार सोने में बदलना चाहते। इतिहास में इन लोगों को वृद्ध सनकियों के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन काश वो जानते कि उनके सपने वास्तव में सच होने लायक। आधुनिक आविष्कारों की बदौलत आज हम धरती पर सोना बना सकते हैं, लेकिन ये समझने के लिए कि हमारी पृथ्वी में ये बहुमूल्य धातु कैसे जमा हो जाती है, हमें तारों की तरफ देखना होगा। सोना परग्रही वस्तु है। ग्रह की पथरीली सतह से उत्पन्न होने के बजाय इसे वास्तव में अंतरिक्ष में तैयार किया गया था, और ये पृथ्वी पर सितारों के सुपरनोवा नामक भीषण विस्फोटों के कारण मौजूद है। तारे अधिकतर हाइड्रोजन से बने होते हैं, जो सबसे सरल और सबसे हल्का तत्व है। इतनी अधिक सामग्री का अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण दबाव तारे के कोर में नाभिकीय संलयन को संपीड़ित और उत्तेजित करता है। ये प्रक्रिया हाइड्रोजन से ऊर्जा रिलीज करती है, जिसके कारण तारा चमकता है। कई करोड़ों वर्षों का संलयन हाइड्रोजन को भारी तत्वों हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन में बदल देता है, जो बाद के तत्वों को अधिक से अधिक तेजी से जलाकर लोहे और निकल में बदल देते हैं। लेकिन नाभिकीय संलयन अब पर्याप्त ऊर्जा मुक्त नहीं करता है और कोर का दबाव कम हो जाता है। बाहरी परतें केंद्र में गिरती हैं और ऊर्जा के इस अचानक प्रवेश के कारण तारा उछलता है और फटकर सुपरनोवा का निर्माण करता है। एक ढहते तारे का अत्यधिक दबाव उप परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को एक साथ कोर में धकेलता है, जिससे न्यूट्रॉन बनते हैं। न्यूट्रॉनों में विद्युत का विकर्षक चार्ज नहीं होता, इसलिए उन्हें लोहे के समूह के तत्वों द्वारा आसानी से कैप्चर कर लिया जाता है। एक अधिक न्यूट्रॉन कैप्चर भारी तत्वों के निर्माण को संभव करता है, जिन्हें एक तारा सामान्य परिस्थितियों में नहीं बना सकता। चांदी से सोना, फिर सीसा और अंत में यूरेनियम। हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने के लिए लगने वाले लाखों वर्षों की तुलना में एक सुपरनोवा में सबसे भारी तत्वों के सृजन में केवल कुछ ही सेकंड लगते हैं। लेकिन विस्फोट के बाद सोने का क्या होता है? विस्तारित सुपरनोवा शॉकवेव इंटरस्टेलर माध्यम से अपने मौलिक मलबे को आगे बढ़ाता है, जिससे गैस और धूल का घूमता हुआ नृत्य शुरू होता है, जो नए सितारों और ग्रहों में संघनित होता है। जियोथर्मल गतिविधि से शिराओं में गूंथे जाने से पहले पृथ्वी का सोना संभवतः इसी प्रकार से बना था। अब हम इस बहुमूल्य उत्पाद को खनन करके एक महंगी प्रक्रिया के द्वारा निष्कर्षित करते हैं, जो सोने की दुर्लभता के कारण और भी महंगी हो जाती है। इतिहास में हमने जितने भी सोने का खनन किया है, उसे केवल 3 विशाल स्विमिंग पूल में जमा किया जा सकता है। हालांकि ये बहुत अधिक द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि सोना पानी की तुलना में लगभग 20 गुना घना है। क्या हम इस तरह की बहुमूल्य वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं? पार्टिकल एक्सेलरेटरों का उपयोग करते हुए हम तारों से सोना बनाने वाली जटिल नाभिकीय प्रतिक्रियाओं की नकल कर सकते हैं। लेकिन ये मशीनें सोने का निर्माण एक बार में केवल एक परमाणु की दर से ही कर सकती हैं। इस प्रकार 1 ग्राम सोना बनाने में ब्रह्मांड की लगभग पूरी उम्र निकल जाएगी, जिसकी लागत सोने की वर्तमान कीमत से बहुत बहुत ज्यादा आएगी। लेकिन यदि हम एक काल्पनिक बिंदु पर पहुंच जाते हैं, जहां हम पृथ्वी के अंदर दफन सारे सोने का खनन कर लेते हैं, तो ऐसे अन्य स्थान हैं जहां हम इसकी तलाश कर सकते हैं। समुद्र में अनुमानित 20 मिलियन टन खुला हुआ सोना है, जिसकी वसूली वर्तमान में बहुत महंगी है। हम अपने सौर मंडल के अन्य ग्रहों की खनिज संपदा का दोहन करने के लिए सोने की दौड़ देखेंगे, और कौन जानता है, हो सकता है भविष्य में कोई सुपरनोवा हमारे इतने करीब आ जाए कि वो हम पर अपने खजाने की वर्षा कर दे। और उम्मीद है कि इस प्रक्रिया में पृथ्वी का समस्त जीवन समाप्त नहीं होगा। ब्रह्मांड के सबसे बाहरी स्थानों से लेकर हमारे ग्रह के सबसे गहराई में स्थित स्थानों तक हर चीज पर अध्यायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।